वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग दाल पायसम या मूंग की दाल की खीर। तो उसके लिए सबसे पहले हम 200 ग्राम मूंग की दाल ले लेंगे, साबुत मूंग की दाल, और इसको अच्छे से वॉश करके 3 से 4 घंटे या रात भर भिगो के रखेंगे। अब देखिए, भीगने के बाद इस तरह की कुछ सुबह को हो जाएगी। तो इसको बॉईल करने के लिए कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम 12 से 15 मिनट इसको प्रेशर कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद देखिए ये ऐसी तैयार हो जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसको गैस पे ऑन करके उसमें थोड़ा प्योर घी, देसी घी डालेंगे और उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद उसके अंदर ये दाल डाल देंगे और उसको हल्का सा भून लेंगे दाल को डाल के। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर करिए, इस तरह की कुछ नई तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए। ये साउथ का मशहूर पायसम है जो कि बहुत पसंद किया जाता है, आपको भी अच्छा लगेगा। अब इसमें 1 लीटर बिल्कुल प्योर वाला मिल्क ऐड कर देंगे, विद क्रीम जो आता है उसको ऐड करेंगे। ये एक हेल्दी खीर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो आप लोग इसको देखकर ज़रूर से ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। देखिए, मैंने आधा आधा लीटर के 2 पैकेट इसमें मिक्स कर दिए, 1 लीटर प्योर मिल्क मैंने इसमें मिक्स किया है। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने देंगे, दूध को गाढ़ा होने देंगे। अब इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची मिलाएंगे और इसको चला देंगे। उसके बाद थोड़ा मैंने जायफल डाला है, जायफल का टेस्ट इससे खीर में एक अच्छा सा टेस्ट आती है, खुशबू आती है, तो वो भी मैंने ग्रेट करके इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा नारियल मिलाएंगे। साउथ में इसमें नारियल का मिल्क मिलाया जाता है या नारियल का दूध मिलाया जाता है, तो लेकिन मैंने उसकी जगह प्योर मिल्क से बनाई है ये खीर और उसकी जगह नारियल का पाउडर डाला है, ग्रेटेड नारियल का जो ड्राई पाउडर आता है वो इसमें मिक्स कर दिया, तो वो नारियल का टेस्ट देता है। अब इसको 30 मिनट से 40 मिनट तक दूध को पकने देंगे, खूब गाढ़ा हो जाए तो खीर में अच्छा लगेगा। देखिए बन गया है। उसके बाद मैंने इसमें गुड़ मिलाया है, इसी तरह से साउथ में गुड़ मिलाकर इसको बनाते हैं, तो एक तरह का हेल्दी वर्जन है। चीनी आजकल बहुत फ़ायदा नहीं करती, इसलिए गुड़ को मिक्स करके खीर बनाइए, फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे वो मिला सकते हैं। आप थोड़े से अलग एक छोटे पैन में थोड़ा देसी घी डालेंगे और उसमें ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हो, मैंने तो काजू और किशमिश को फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, आपके पास जो हो वो कर लीजिए, और उसको फिर खीर में मिक्स कर देंगे। हल्का ब्राउन होने तक इनको अब भून लेंगे। अब इसको हम खीर में मिक्स कर देंगे और खीर का कलर भी आप देख रहे हैं कितना अच्छा आया, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये
ये एक नई तरह की खीर है दोस्तों, इसको ट्राई ज़रूर करिए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। सचमुच बहुत ही टेस्टी और बढ़िया खीर है। तरह की कुछ नई रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए खीर तैयार हो गई है, बस आप इसमें मिक्स कर देंगे, कितना अच्छा कलर आया है। दोस्तों अब ये खीर बनकर तैयार है, और इसी तरह की कुछ और नई रेसिपीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।